हेलो गाइस, सो वी आर सेलेडी के मैं आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज़ #108। जी हाँ, और दोस्तों आज भी आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, पहले बार मेरे चैनल पर आए हो, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था, सुबह में नहीं दोपहर को एक वीडियो डाला था, वो X3 मतलब Realme का इवेंट हो चुका है, X3 सीरीज और काफ़ी कुछ उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको वो सब जानना है तो मैं आपको, आप मेरे चैनल पे जाओ या फिर यहाँ पर लिंक दूंगा, यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। एनीवेज दोस्तों, आज भी बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें हैं और काफ़ी लोग, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि भाई इतने रियलमी के X3 सीरीज़ के प्राइस से मतलब उनको प्राइस अच्छी नहीं लगी, ओवर प्राइस लगी, सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन X3 बराबर है, X3 सुपर जूम ऐसे ही है, क्यों यार 60x जूम ठीक है, अभी है तो क्या करें, जूम आप जिनको जूम ज़्यादा पसंद है, जिनको कैमरा बहुत भारी है, इतना पक्का है, ये X3 और X3 सुपर जूम दोनों का सेम कैमरा है, बस उसमें एक पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है जिसमें आपको 60x जूम मिल जाता है। वैसे ये टेक्निक में बताना था, अभी तक चालू भी नहीं की बस, तो आज अभी फटाफट से स्टार्ट करता है आज की टेक न्यूज़। दोस्तों पहली घर की बात करेंगे, वही दोस्तों रियलमी। जी हाँ, मैं जैसे कि अभी बताया मैंने कि भाई इतने लोग मतलब उनको अच्छी नहीं लगी प्राइसिंग X3 सुपर जूम की, स्पेशली काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या प्राइस है, ये क्या मतलब 25,000 के अंदर होना चाहिए था, बट यार 855 प्लस आपको मिल जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है। एक जो बड़ी दिक्कत मैंने मेरे वीडियो में भी बात की थी कि भाई उसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल नहीं मिलता। जी हाँ, रियलमी ने इस प्राइस पे हमें नहीं दिया, X3 सुपर जूम की बात कर रहा हूँ, दोनों में नहीं मिला बाय द वे, लेकिन X3 ठीक है, एक बार चला लेंगे क्योंकि यार 25,000 चलेगा, मतलब X3 सुपर जूम 32,000 का फ़ोन है, लेकिन उसका जो हायर वेरिएंट है उसकी बात कर रहा हूँ, बेस वेरिएंट 28,000 का है, और उससे अगर आप 1-2,000 बढ़ा दोगे तो आपको उसका ही रियलमी का X2 प्रो देखने को मिलेगा। और X3 सुपर जूम में दो कमियां मैंने वीडियो में भी बात की थी कि भाई 50 वाट का चार्जर नहीं मिला और साथ में आपको सुपर एमोलेड पैनल नहीं मिली, कि यार काफ़ी लोग होते हैं जिनको अच्छी लगती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि नहीं मिलती, काफ़ी कम है अभी आजकल तो डिस्प्ले, स्पेशली ये जो अंडर 20,000 का रेंज है। एनीवेज दोस्तों, ये सब बातें तो मैंने वही वीडियो में की थी, अगर आपको चेकआउट करना है पहले टेक न्यूज़ देखो, उसके बाद वो वीडियो जाके देख लेना, तो ज़रा ना मिस करेंगे, फटाफट आज की टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। तो पहले घर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर पोकेमॉन गो से। जी आपको तो पता ही होगा, काफ़ी लोग खेलते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी अच्छी गेम है पोकेमॉन गो। एक जन तो ऐसे थे कि भाई ऐसा पता नहीं ये रूमर था या फिर रियल था, चलते चलते अहमदाबाद पहुँच गए, नहीं पता मुझे ये सच्ची था या झूठा था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा बताया जा रहा है कि टोक्यो के अंदर एक सीनियर सिटीजन यानी कि एक ग्रैंडपा है जो 64 मोबाइल के साथ साइकिल में लगा के घूमते हैं और पोकेमॉन पकड़ने निकलते हैं। मतलब यार इतना क्या क्रेज़ है गेम का, कितनी सारी चीज़ें आपको ये मैं बोल रहा हूँ तो याद आ रही होगी, ये बस फैक्ट, एक्चुअली ये फैक्ट में मुझे बताना था, लेकिन एनीवेज ये खबर है और ये मस्ती नहीं कर रहा, सच्ची बात है। उधर के न्यूज़पेपर में भी आई थी, उन्होंने काफ़ी लोगों उनके फ़ैन बन चुके हैं, भाई 64 फ़ोन लेके घूम रहे हो साइकिल में। मैं आपको अगर फ़ोटो दिखाऊँ तो, और को फ़ोटो दिखा दूँ दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये कोई फेक नहीं है, ये सच है। अब यार मतलब अब देख ही पा रहे हो, अब ये देख के दोस्तों आपको आपके मतलब काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये फ़ोन चार्ज कब करते हैं, कब खेलते हैं, ऐसे अलाइन कैसे किया, मतलब अरेंज कैसे कर दिया इसको, यार गजब है यार मतलब। एनीवेज दोस्तों, आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का अगर हम गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो पबजी मोबाइल, जी हाँ उसको कैसे हम भूल सकते हैं, हमारा रोज़ का क्या मतलब रोज़ हम खेलते हैं। एनीवेज दोस्तों, इसमें आप भी आपको एक नया मैप मिलेगा और मेरे ख्याल से जो ये बात कर रहे हैं ना इरेंगल 2.0 आएगा, वो मुझे लग रहा है कि एक नए नाम से आएगा, मैप वही होगा लेकिन नाम अलग होगा लेकिन मैप वही होगा, और इसका नाम होगा लिविक। जी हाँ, पबजी मोबाइल ने ऑफिशियल पोस्टर डाल दिया है कि भाई ये कहीं नहीं जाएगा, सबसे पहला एकदम पबजी मतलब मोबाइल में ही आएगा, पीसी में भी अभी तक नहीं गया,
देखते कब आता है, इसकी डेट जब अनवील होगी तब मैं भी आपको बता दूंगा। वैसे आप खेलते हो पबजी मोबाइल, सीओडी मोबाइल, आप कमेंट करके बता सकते हो। लगे हाथों दोस्तों सीओडी मोबाइल, जी हाँ, दिन भर दिन पबजी से भी आगे निकलती जा रही है। मतलब उस पबजी ने अगर टू दोस्तों एक सर्वे किया गया कि भाई कौन सी गेम है तीन टॉप थ्री गेम्स की भाई जो एकदम पैसे कमा रही है, एकदम रेवेन्यू जनरेट पे जनरेट कर रही है, दोस्तों पहला नंबर किसका निकला? पबजी का, सीओडी का, किसका निकला? वो अगर आपने अभी तक आप गेस कर रहे हो तो अगर गेस कर लिया तो कमेंट में बता देना, अभी आंसर देने के बाद मत बताना। एनीवेज दोस्तों सीओडी मोबाइल ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया 250 मिलियन। जी हाँ, मतलब पबजी ने 238 मिलियन किया तो सीओडी ने 250 मिलियन किया। हालांकि कंपनीज एक ही है, टेंसेंट गेम्स ही इन दोनों का भाप है, मतलब दोनों को इसने ही बनाया है, लेकिन फिर भी सीओडी मोबाइल ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है, पबजी ज़्यादा पसंद है, पबजी है, सीओडी सीओडी है, हम कुछ बोल नहीं सकते। वैसे आप बताइए क्या खेलते हो, पबजी सीओडी, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों कहते हैं अगले खबर की ओर। यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जी हाँ, ये जो सारी कंपनीज हैं उन्होंने, मतलब ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहाँ से आप फ़ोन या फिर कुछ भी ऑर्डर करते हो, उन्होंने क्या किया दोस्तों, कर नहीं रहे, मतलब अभी करेंगे, किया नहीं अभी तक दोस्तों, वो लोग करेंगे कि भाई अगर सपोज़ कि ये रियलमी का एक फ़ोन लगाया हुआ है तो वो कहाँ मेड किया, मतलब वो कहाँ, उसका वो कौन सी कंट्री से आया है, वो वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। ये काफ़ी अच्छी बात है, फिलहाल ये जो एंटी सेंटीमेंट चाइना जो हो रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छी है कि भाई आपको देखने मिलेगा कि भाई ये फ़ोन कहाँ बना है, क्या इंडिया में बना है, क्या चाइना में बना है, कहाँ बना है, मतलब काफ़ी अच्छा है। वैसे आप बताइए आप कौन सा ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो और क्या वो इंडियन है, क्या वो बाहर का है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों आज का अगले खबर के यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से, जी आप सब मतलब सब इंडियन कर रहे हैं दोस्तों। Xiaomi के जो इंडिया में जो रिटेल स्टोर्स है, मतलब जो जहाँ पे आप जाके बाय परचेज करते हो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना Xiaomi का लोगो है उसके ऊपर दोस्तों मेड इन इंडिया लगा दिया। जी हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम मेड इन इंडिया हैं, Xiaomi मेड इन इंडिया। एनीवेज दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों ऐसा वन प्लस की तरफ से खबर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वन प्लस टीवी जो इस बार आएगा ना वो थोड़ा अलग होगा, मतलब प्राइस भी अलग होगी और वो टीवी भी अलग होगा। अब वैसे तो वो अंडर 20K ही होगा जो उसका बेस वेरिएंट होगा, वो तो 100% श्योर हूँ मैं। देखते हैं क्या अलग होता है, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। वैसे आप बताइए वन प्लस टीवी के लिए आप एक्साइटेड हैं? 2 जुलाई को ये लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों कहते हैं कमेंट क्या होगा यहाँ पर दोस्तों मोटरोला की तरफ से, जी हाँ, मोटरोला एज लाइट, जी हाँ, इसकी दोस्तों लॉन्च डेट आ चुकी है, यहाँ की नहीं है, बाहर की है, और बाहर की कहाँ की वो नहीं पता। 7 जुलाई को ये लॉन्च होने वाले हैं, इंडोनेशिया या फिर कहीं पे तो वो लॉन्च होगा। 7 जुलाई को मोटरोला एज लाइट होगा लॉन्च, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, शायद एक वीक या फिर थोड़े दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा भाई इंडिया में कब आ रहा है। याद रखिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G मिलेगा और काफ़ी कुछ होगा। वैसे मोटरोला एज लाइट और वन प्लस का जो आने वाला है नॉर्ड या फिर जो भी नाम होगा उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते कब आता है। अभी तो यार वन प्लस वाले कन्फ्यूज़ पे कन्फ्यूज़ करेंगे, भाई नाम होगा जेड, वन प्लस जेड या फिर वन प्लस जेड लाइट, एट लाइट, नॉर्ड, पता नहीं क्या नाम होगा, देखते क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों कहते अगले खबर क्या और लग गया है तो दोस्तों रियलमी 2 प्रो अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि भाई एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑन रियलमी UI, जी हाँ, आपको मिल चुका है, मतलब स्टेबल अपडेट वो लोग ने पुश कर दिया है। अगर आपके पास Realme 2 Pro है जाइए फटाफट से सेटिंग्स में, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो जाइए सेटिंग्स में और अपने Android 9 को या फिर जो भी आपका चल रहा है उसको Android 10 पे ला लीजिए और ये Realme UI के फ़ायदे भी उठा लीजिए। वैसे क्या आप यूज़ करते हो Realme 2 Pro, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों कहते हैं अगले खबर की दोस्तों Realme C11, जी हाँ, ये भी 30 जून को मलेशिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कितनी प्राइस होगी, लेकिन इसका गीक बेंच स्कोर आ गया दोस्तों 900,
हाँ सिर्फ 900 इसका जो स्कोर है वो आया है। अगर मैं इसको रियलमी C3 से कंपेयर करूँ तो 50% कम है, मतलब C3 छोटा है, C11 बड़ा है, फिर भी उसका स्कोर कम है C3 से। पता नहीं रियलमी वाले क्या कर रहे हैं, आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों आप कथा अगले खबर की और लगे हाथों। दोस्तों इंडियन रिटेलर जो स्टोर्स हैं उनके द्वारा एक सर्वे किया गया कि भाई आपका ये जो एंटी सेंटिमेंट चाइना हुआ उसके बाद क्या आपके वहाँ पे मतलब आपके स्टोर पे कोई चाइनीज फ़ोन खरीदता है। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं खरीदता, वही खरीद के जाते हैं। मतलब एक तरफ आप सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पे कहीं पर भी आप बोलते हो कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, नहीं खरीदना नहीं खरीदना, बैन कर दो, जला रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, और फिर आप रिटेल स्टोर्स में जाके वही फ़ोन परचेस कर रहे हो। मतलब पर देखिए पीछे मतलब यार क्या ही है यार, मुझे नहीं पता। अभी आप वैसे भी सेम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे हो रहे हैं, आप बोल तो रहे हो कि भाई इसका शाओमी रियलमी के फ़ोन्स नहीं लेने, लेकिन सोल्ड आउट तो हो ही जा रहे हैं फ़ोन्स। सोल्ड आउट होते हैं क्या, मतलब क्या है, क्या वो लोग डालते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट वो सब ले लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं फ़ोन्स यार। मतलब एक तरफ आपको लेना भी, एक तरफ आपको बॉयकॉट भी करना है। आपको क्या लगता है मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों आपको अगले खबर की और। दोस्तों पोको की तरफ से एक खबर आ रही है, पोको की तरफ से दो खबरें आ रही है, एक थोड़ी बढ़िया है और एक काफ़ी बुरी है। क्योंकि यार पोको X2 आपको पता होगा अंडर 20,000 मोस्ट लोगों का फेवरेट स्मार्टफोन है ये। और दोस्तों इसके जो 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज है उसको दोस्तों प्राइस और बढ़ा दिया, मतलब और 500 रुपये बढ़ा दिए। अभी आपको 21,500 में मिल जाएगा। जी हाँ, 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज। इमेजिन दोस्तों ये उन्होंने को दूसरी या तीसरी बार किया है और पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन 21,499 ओनली पोको X2 का 8 GB की रैम 256 GB की इंटरनल स्टोरेज का प्राइस और बढ़ गया 500 रुपये से। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये शाओमी, रियलमी तो नहीं किया अभी तक, एक फ़ोन का किया C11 और Narzo 10 है दोनों का, और देखते हैं क्या होता है, और भी बढ़ते हैं या फिर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लगे हाथ हो दोस्तों पोको, जी हाँ मतलब यार सी मनमोहन जो इंडिया के पोको के CEO है, उन्होंने आज एक पोल डाला और लोगों से पूछा, ट्विटर पे डाला था, कोई यूट्यूब पे नहीं डाला था, ट्विटर पे डाला था, और लोगों से पूछा कि क्या आपको जो 3.5 mm जैक ऑडियो जैक होता है वो क्या आपको नेक्स्ट पोको के फ़ोन में चाहिए। यार क्यों मतलब अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने सीधा तो नहीं एक हिंट दे के रियलमी को ट्रोल किया है। क्यों, क्योंकि यार रियलमी X3 सीरीज में आपको कोई भी ऑडियो जैक नहीं मिलता, उन्होंने भी मना किया है रियलमी वालों ने कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है लेकिन मिलता नहीं है, काफ़ी लोगों ने बता दिया, वो तो अनबॉक्सिंग वगैरह में सब आपने देख ही लिया होगा। तो यार पोको ने वापस रियलमी को ट्रॉल किया और रियलमी अभी तक कुछ नहीं बोला, अब देखते क्या होता है। लेकिन ये ट्रॉलिंग मुझे नहीं पता कब बंद हो गया होगा, लेकिन यार ये बुरी चीज़ है, मतलब आप ऐसे ही हो रहा है, मतलब वैसे आपको क्या लगता है रियलमी को ट्रॉलिंग करने के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड के अंदर जितने भी लूनर का जो मिशंस होते हैं दोस्तों उनमें से दोस्तों 40% फेल जाते हैं, जी हाँ, और जो 60% होते हैं वही एकदम सक्सेस जाते हैं। ये एक सर्वे और एक फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। तो आज के टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म हो जाती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज के टेक न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करना। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आता रहूँगा, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और टेकी बनाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नोट के साथ, मिलते हैं ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, एक्चुअली डे नहीं नाइट। तो चलो बाय।